नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सटीक बात न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शर्मा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा सभी विभागों में फीस बढ़ाए जाने के विरोध में मंगलवार को छात्रों का गुस्सा फूटा। युवा संघर्ष समिति के बैनर तले छात्रों ने न केवल VC कार्यालयों के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, बल्कि बढ़ाई गई फीस वापस न लेने पर अनिश्चितकालीन धरना देने की भी चेतावनी दी। छात्र संगठन के अध्यक्ष भारत बराड़ ने कहा कि पहले ही कोरोना की वजह से बढ़ती महंगाई से विद्यार्थियों के घर पर आर्थिक तंगी का बोझ पड़ रहा है, तो वहीं अब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा सभी डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों को फीस बढ़ाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। छात्र नेता शुभम राणा और कैंपस अध्यक्ष मनदीप सिंह ने कहा कि परीक्षा फॉर्म शुल्क व कॉलेज एवं विभागों में दाखिला फीस पहले के स्तर पर ही रखी जाए, आर्थिक कमजोर छात्र छात्राओं का एक समान रूप से छात्रवृत्ति दी जाए। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा पिछले 2 सालों में विभिन्न संकाय की फीस 5 से 10 हज़ार रुपये तक भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के समक्ष बड़ा संकट खड़ा हो गया है। यहां तक कि परीक्षा फॉर्म शुल्क ही 400 रुपये तक बढ़ा दिया गया। ऐसे में BPL परिवारों से आने वाले विद्यार्थी कैसे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। शुभम राणा ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर हमने कुलपति के नाम भगवान परशुराम कॉलेज के प्रिंसिपल को भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन उनकी मांगें नहीं मानेगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे।